प्रयागराज के जिला पंचायत सभागार में वृहद प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, सांसद केसरी देवी पटेल, सांसद रीता बगुणा जोशी और सभी विधायकों ने सहभागिता की। सम्मेलन में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा और देश की अर्थव्यवस्था विश्व में मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लाल चौक में एक समय में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था, आज वहां तिरंगा लहराया जा रहा है और राम भगवान के भजन और गीत भजन बज रहे हैं। ये बदलाव केंद्र की मोदी सरकार की वजह से हुआ है। आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, सिर्फ वोट ही काफी नहीं है, जो सबके प्रयास वाली बात है। आपका आशीर्वाद वोट के रूप में भी मोदी जी को मिले और आपका प्रयास कहीं ना कहीं शामिल हो। जो लोग आज भी भटके हुए हैं वो लोग भी मोदी जी के अभियान के साथ, मिशन के साथ जुड़े हैं, इस बात का भी हम सब लोग आग्रह इस कार्यक्रम में करना चाहते हैं।